कानपुर जिले में SC ST एक्ट के विरोध की एक झलक कलेक्टरगंज थाने के सामने देखने को मिली, जहां व्यापारियों ने अपने हाथों और शरीरों को लोहे की मोटी जंजीरों से बांधकर सरकार के इस फैसले का विरोध किया और जिन लोगों के खिलाफ फर्जी मुकदमे लिखाकर फंसाने वाले लोगों की जांच करवाकर उनके खिलाफ कार्यवाही करने की मांगे की। अगर उनको SC ST की एक्ट के तहत गिरफ्तार कर सकते हो तो हमने भी विरोध किया है, हमें भी गिरफ्तार करें। मानवाधिकार का उल्लंघन है, वर्तमान स्वरूप है इसका। गिरफ्तारी का जो प्रावधान है बिना जांच के इसका हम सख्त विरोध कर रहे हैं और जो भी व्यक्ति झूठा मुकदमा लगाए उसके खिलाफ भी सजा का प्रावधान होना चाहिए, सख्त सजा का। तीसरा, जनरल VP सिंह चौहान जो नोएडा में 75 साल के देशभक्त जिन्होंने 18 लड़ाइयाँ लड़ी, उनको उनके साथ जो दुरुपयोग किया गया इस एक्ट का वो जेल चले गए। और हरीश चंद्रा जिन्होंने मुकदमा किया ADM आज खुलेआम घूम रहे, उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, बर्खास्त किया जाना चाहिए ऑफिस से। आज हम सड़कों पर उतर चुके हैं, ये प्रतीकात्मक सड़ियाँ हैं, उनको लेकर हम यहाँ कलेक्टर थाने के बाहर आए हैं। हम कह रहे हैं आपको गिरफ्तार करो, हम इस सबके विरोध में गिरफ्तारी देने आए हैं, गिरफ्तारी देंगे। और लगातार ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा, इस एक्ट का दुरुपयोग न हो। भारत सरकार को, माननीय मोदी जी को, जिन्होंने कहा था सबका साथ सबका विकास, हमारा भी ध्यान रखे। केवल एक समाज का मतलब इस तरह से गलत कानून बना करके, गलत उत्पीड़न करके, ये गलत है। इस कानून का विरोध पूरे देश में हो रहा है, इसका विरोध लगातार जारी रहेगा जब तक एक्ट में परिवर्तन नहीं होगा, बिना जांच के गिरफ्तारी का प्रावधान समाप्त नहीं होगा। और जो व्यक्ति दोषी हो, जो व्यक्ति गलत सूचना दे, गलत मुकदमा कराए, उसके खिलाफ भी मुकदमे का प्रावधान। कानपुर जिले से शुभम कपूर के साथ रवि कुमार की रिपोर्ट, समाचार इंडिया न्यूज़ कानपुर।